नाज़रीन आदाब, मखदूम अली नियाज़ के साथ आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ गुलबरगा। हमनाबाद तक हीरापुर चौक तक रिंग रोड के बड़े बड़े गढ़े मुसाफिरों और गाड़ी ड्राइवरों को रुला रहे हैं खून के आंसू। जी हां नाज़रीन, हमारे रिपोर्टर की मुसाफिरों और ड्राइवरों से हुई बातचीत में आवाम का मुंतखब नुमाइंदों पर फूटा गुस्सा। आइए देखते हैं वॉइस ऑफ गुलबरगा की खसूसी रिपोर्ट। गुलबर्गा के रिंग रोड की खबरें सुर्खियों में रहती हैं। हमारे चैनल वॉइस ऑफ गुलबर्गा पर टीपू चौक तक हमनाबाद क्रॉस तक की खस्ता हालत पर रिपोर्टिंग हो चुकी है, जिसमें एक शख्स की मौत सड़क पर पड़े गड़े की वजह से हुई थी। हमारे नुमाइंदे ने टीपू चौक तक बस स्टैंड गुलबर्गा तक का सर्वे भी दिखाया था और नेशनल हाईवे की बोसीदा हालत को कैमरे की आंख से दिखाया गया था। सियासी लीडरान ने भी रिंग रोड की खस्ता हालत पर एहतजाजी मुजाहरे के साथ डीसी को मेमोरेंडम दिया था। हमनाबाद से आगे हीरापुर रिंग रोड की भी सड़कों की हालत निहायत ख़राब है। इस रोड पर लोडेड लारियां, बसें, कारें और कंपनियों की गाड़ियां चलती हैं। इस सड़क से पैदल चलते हुए गुजरें तो आपको बीच सड़क पर एक एक फिट गढ़े पड़े हुए नजर आएंगे। टू व्हीलर वालों को बड़े एहतियात और तवज्जो से गाड़ी चलाकर निकलना पड़ता है, वरना हादसा उनकी तलाश में रहता है। ऑटो रिक्शे में अगर साइड में बैठें तो लगता है कब ऑटो पलट जाए या मुसाफिर लुढ़क कर कब सड़क पर आ जाए। रिंग रोड की खस्ता हालत बढ़ते हुए बस स्टैंड तक पहुंच चुकी है। इस कदर ख़राब और बड़े बड़े गढ़ों में तब्दील हो चुकी है कि इससे राह का हर राहगीर इसकी खस्ता हालत पर जिम्मेदारों से रहम की फरियाद करता है। बरसात में हमनाबाद रिंग रोड से मुस्लिम संघ, काकड़े चौक, सुल्तानपुर क्रॉस, अलंद चेक पोस्ट, जफराबाद क्रॉस, शाह जिलानी दरगाह क्रॉस, मिसबाह नगर, एमएस किमिल, हीरापुर क्रॉस तक हर रास्ता चलने वाले सवार और पैदल शख्स को पूरी रिंग रोड तालाब की शक्ल में नजर आती है। बसा औकात रोड क्रॉस और पास करना भी दुश्वार गुजार होता है, जिसके सबब टू व्हीलर वाले को जान का शदीद खतरा लाहक होता है। इस सिलसिले में अरसे दराज से अवाम की शिकायतें हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश जारी रहीं, लेकिन अब तक हमारे लीडरान में से किसी ने भी इस पर तवज्जो न दी। शायद हुकुमरान इस रास्ते पर चलने वाले किसी ऑटो रिक्शे, लारी, बस, कार के पलटने, टकराने या पैदल सवार की मौत के मुंतजिर हैं। हमारे रिपोर्टर सैयद नईम अपने कैमरामैन वाहिद अली के साथ बस में सवार मुसाफिरों, कार वालों, ऑटो रिक्शा चलाने वालों, टू व्हीलर सवारों और दीगर लोगों से इन टूटे फूटे और गढ़े पड़े सड़कों के बारे में उनसे हकीकत जानना चाहा तो पब्लिक का सरकारी मुलाजिमीन पर गुस्सा फूटता नजर आया। आइए लोगों से ही उनकी तकलीफ और परेशानियों के बारे में जानते हैं कि पब्लिक मुंतखब एमएलए, एमपी, दीगर सरकारी लोगों के बारे में क्या कहते हैं, इन सरकारी मुलाजिमीन पर इसका क्या असर होता है। गुलबर्गा की खौफनाक सड़क, खून की प्यासी रिंग रोड अक्सर सुर्खियों में दिखाई देती है। हजरत, ये बताइए, गाड़ी चलाते वक्त आपको किस चीज़ का डर लगता है, क्योंकि गुलबर्गा की जो रिंग रोड है जानलेवा रोड कहा जा रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? गुलबर्गा की मौजूदा हालात को देखकर दो लफ्ज़ों में अगर कहा जाए तो ये कि गुलबर्गा धूल धूल गड़े घड़े हो गया है। गड्ढे रोडों पर, चाहे गलियों के हों या मेन रोड के हो, रिंग रोड के हो, खुसूसन बरसात वाले दिनों में जब गड्ढे पानी से भर जाते हैं तो उस वक्त पता नहीं चलता है कि हम रोड पे चल रहे हैं कि गड्ढे में चल रहे हैं। कभी भी गिरने का खदशा बढ़ जाता है, गाड़ी जान दोनों के नुकसान होने का खदशा हमेशा लगा रहता है। तो ये काम जिसके भी ज़िम्मे है, जिनका इस काम को करके लोगों को सहूलत पहुंचाना है, इसकी तरफ तेज़ी से कदमी बढ़ाना चाहिए ताकि लोगों की जान और उनके माल या उनकी गाड़ियों की हिफाजत हो सके। ये ज़रूरी है, बड़े बड़े गड्ढे देखने में आ रहे हैं। खुसूसन जो लोग ज़िम्मेदार हैं, ज़रा रोडों का सर्वे कर लें तो पता चल जाएगा कि कितनी परेशानियाँ, कितनी दुश्वारियाँ हैं और कितनी जान को हथेली में रख कर आज हम गुलबर्गा में सफ़र कर रहे हैं। हज़रत,
चंद दिन पहले ही इस रिंग रोड की मरम्मत की गई थी, काम किया गया था, तो आप कहाँ तक इस काम के लिए कहाँ तक आप मुतमईन हैं? मरम्मत करने का ताल्लुक इस चीज़ से होना चाहिए कि दोबारा गड्ढे ना पैदा हों। अगर सिर्फ आवाम की शिकायत सुन के उनकी आवाज़ को थोड़ा सा कम करने के लिए किया गया है तो ना इससे काम करने वालों का कोई फ़ायदा है ना आवाम का फ़ायदा है। ज़रूरत को समझें, आज आवाम इन सड़कों पे गिरने की वजह से परेशान है, कल को किसी की भी बारी आ सकती है। जो लोग ज़िम्मेदार हैं, जो रोड बनाते हैं या जो लोग काम कराते हैं, वो लोग भी इस रोड पे चलेंगे। कल आज हम हादसे का शिकार हो सकते हैं तो कल वो भी हो सकते हैं हादसे का शिकार। इस रोड का ताल्लुक ऐसा नहीं है कि जो लोग रोड बनाते हैं उनके लिए सहूलत देती है और जो लोग रोड पे चलते हैं उनको परेशान करती है, ऐसी उसके अंदर तफरीक नहीं है। फारसी में कहा जाता है कि जो आदमी किसी के लिए गड़ा खोदता है तो सबसे पहले गड्ढे में वो खुद गिरता है। तो आवाम की सहूलत और ज़रूरत को पूरा करने के ख्याल के अतबार से काम करना चाहिए, ना कि खाली बस सवाल किया गया था उसका जवाब देने के लिए काम की भरपाई करके फिर उनको गड़े में बाकी रहे जैसा ही काम हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चंद दिन पहले जो काम किया गया था इससे लोग मुतमईन नहीं है, बोले तो बहुत खड्डा में पड़े है, इधर ML साहब देखना देख के लोगों को बहुत त्रास हो रहा है, इसके लिए बहुत तकलीफ है, इधर मर रहे खड्डा में पड़ के। ज़रूर ML साहब इधर देख के क्या है ये अधिकारियों को बोल के काम करना, काम होना मांगता है। ये रोड का कंडीशन बहुत ख़राब है, हम ड्राइवर लोग सब लोग परेशान हो रहे हैं। बड़ा बड़ा गाड़ी लगा चलाता है, हम लोग छोटा छोटा गाड़ी वाला पीछे आके हमको मारता है, ये करता है, कीचड़ उठता है इसको उसके ऊपर। हम तो टैक्स भर रहे हैं, हम तो फोकट में नहीं जा रहा है, टैक्स तो भरता है हम लोग। जैसे आपने अभी देखा वीडियो में, मैं तो गिरते गिरते बचा, ऐसा लगा कि मौत के कुएं में मैं गाड़ी चला रहा था। ये लंबा सफ़र है भाई, पूरा आगे तक का पूरा रिंग रोड ऐसी है, लोगों को दिखना नहीं है क्या? यहाँ के नेताओं को नहीं दिखता शायद से सब चीज़ें। आज हम रिंग रोड पर मौजूद हैं और ये रिंग रोड जो है जानलेवा रोड कहा जाता है। इस रोड पर चलने वालों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और रोड पर तो गड़े हैं ही हैं। गुलबर्गा की रिंग रोड गड़ों में तब्दील, हमें इससे पहले हमने वॉइस ऑफ गुलबर्गा पर बता दिया था, मगर साथ ही साथ ना रात में लाइटों का इंतज़ाम है और ना सफ़र करने वालों को सही तरीके से रोड मैसर होती है। मेरे बाजू देख सकते हैं कि किस तरीके से रिंग रोड पर ये सर्विस पर पड़ी हुई है और लोग यहाँ से गुजरने वालों को यह डर महसूस हो रहा है कहीं इस वायर में करंट ना आ जाए, इस वायर में कहीं करंट लग ना जाए। लोग इसके पास से गुजरने वाले डर कर गुजर रहे हैं, पता नहीं कितने दिनों से ये वायर पड़ी हुई है। यहाँ के रहने वालों से पूछते हैं कि किस तरीके से कितने दिनों से ये रोड पड़ी, कितने दिनों से ये सर्विस वायर पड़ी है, पता नहीं इसके अंदर करंट है या नहीं है, मगर इस वायर को देखकर लोग गुजरने वाले अपनी गाड़ी को बाजू से लेकर गुजर रहे हैं। सर, मेरे बाजू जो रोड वायर पड़ी हुई है सर्विस वायर, इसमें करंट है या नहीं है पता नहीं, पर लोग जो है यहाँ से डर डर कर जा रहे हैं, इसमें शायद करंट है और ये वायर जो पड़ी हुई है रोड के ऊपर पड़ी हुई है, तो इस वायर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये वायर में ऑलरेडी करंट है, ये जो रिंग रोड पे जो लाइटिंग है ना, लाइटिंग का जो इंतज़ाम किए हुए हैं उसका कनेक्शन है ये एक खंभे से दूसरे खंभे को, कि ये सीधा ये कॉरपोरेशन की लापरवाही है। ये जो रिंग रोड पे जो लाइटिंग का जो इंतज़ाम करना रहता है ये कॉरपोरेशन का रहता है, ये कॉरपोरेशन की लापरवाही से जो है ना वायर रोड पर पड़ी हुई है और रोड पर ऑलरेडी बारिश आने के बाद इतने गड्ढे पड़े हुए हैं जिससे कई हादसे हो रहे हैं, तो लिहाजा कॉरपोरेशन अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इसको जल्द से जल्द यहाँ रोड से हटा के जो है ना लोगों की जानों को बचाए। ये रोड से यकीनन पब्लिक के दिल में डर सा महसूस हो रहा है, जब बरसात आती है तो और ज़्यादा डर महसूस हो रहा है, तो कॉरपोरेशन वालों की जिम्मेदारी है कि ये जो वायर रिंग रोड पर पड़ी हुई है तो इसकी जल्द से जल्द मरम्मत की जाए। सर, आप ये बताइए, जो दरख्त दिख रहे हैं झाड़ों पर, और थोड़ा आगे जाएंगे तो बड़े बड़े झाड़ दिखेंगे जिसकी वजह से जब कोई रोड इस तरीके से यानी इस पार से उस पार करने वाला है तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, क्या कहेंगे दरख्तों के बारे में? नहीं, चांसेस तो है मगर ये ऑलरेडी हादसात हो चुके हैं, ये इसका ईयरली मेंटेनेंस रहता है कॉरपोरेशन की जानिब से, जो लोग भी इसका मेंटेनेंस जो टेंडर लिए हुए हैं वो लोगों का कोई मेंटेनेंस देखने में नहीं आता। देखिए,
अभी ये पर यहाँ पर झाड़ देखिए, ये झाड़ों का जो है ना मेंटेनेंस, ये ऑलरेडी आप जाकर देखिए कॉर्पोरेशन में हर वो चीज़ का मेंटेनेंस रहता, मगर पूछने वाला कोई भी नहीं है। और एक चीज़ देखिए, 100% ये करंट जो है ना, ये वायर गिरा हुआ है, क्या भी हादसा हो सकता, अल्लाह ना करे, इंशाल्लाह ताला इस वक्त से पहले इसका काम हुआ तो यहाँ पर कोई हादसा होने से बच जाते। और आप और एक चीज़ देखिए, यहाँ पर ये देखिए हालत देखिए, ये हालत देखिए, और यहाँ की ट्रैफिक देखिए, और ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं ये घूमते फिरते रहते हैं, यहाँ लाइट का वायर है, और रात के टाइम में लाइट नहीं रहती है, लोग जो है ना इधर से इधर क्रॉस करते वक्त अगर कुछ ये हो गया तो। ये झाड़ों की तरफ से भी बहुत हादसे हो चुके हैं सर, ऐसा नहीं कि भाई ये अभी होंगे वैसा क्या भी नहीं, हो चुके हैं, और यही हालत रहे तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ना करे वो भी आप जो बोल रहे हो वो भी सही हो जाता है। सर इससे पहले चंद दिनों पहले रिंग रोड का काम हो गया था सर, जहाँ जहाँ बड़े 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 गड्ढे थे उसको बंद कर दिया गया था, मगर अब देखने को कैमरा सर फिर से पहले ही हालत में आए हैं सर। हाँ 100% देखिए आप, क्योंकि काम जो है ना आरजी तौर पर किया जाता, ऊपर का ऊपर डाल के करके किया जाता, तो देखिए आप देखिए, मैं बोलना ज़रूरी नहीं है, आप खुद बताइए आप, और यहाँ से फिर और आगे जाइए, आप इधर आगे जाइए, देखिए हालत क्या है। चंद दिन पहले लाइटों का काम किया गया था हमारे वॉइस ऑफ गुलबर्गा में, उस लाइटिंग का जो काम किया गया था हमने उसको कैद कर रखा है, वक्त आने पर बताएंगे बोलकर। अब हुमनाबाद रिंग रोड से आगे तक राम मंदिर के करीब करीब तक तो लाइटों का काम हाल ही में हुआ था, और चंद लाइटें चालू है चंद लाइटें बंद हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे कि जब कोई गाड़ी चलाता है तो उसकी लाइट कभी कमज़ोर हो जाती है, ऑटो चलाता है तो ऑटो वाली की लाइट कमज़ोर हो जाती है, इस कमज़ोर लाइट में पता नहीं चलता कि गड़ा किधर है रोड किधर है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे, कोई आएगा गिरेगा खड्डे में मर जाएगा, उसको क्या फिक्र है, जो करने वाले को काम तो सही करते ही नहीं, हालाहाल में काम करे क्या काम करे, डेली जाता है तो शाम में गिरते, एक ना गिरे दो गिरे तीन गिरे, उठते उन्होंने जाते दवाखाने को, किसकी जरूरत है, करने वाला कौन है, फिक्र से करने वाला कोई काम अच्छा करे। हालाहाल में परसों रोड डाले वहाँ पे खड्डा, कल रात में एक आदमी गिरा, ऐसा गिरता है गिर के कोई गाड़ी वाला पीछे से आया तो मर जाता, मरने वाला मरता उनको क्या फिक्र है। तो सर रात में आपका भी सफर होता होगा, तो कहीं जगह पर लाइट होती है कहीं जगह पर लाइट नहीं होती है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे। लाइट कहीं जगह है कहीं जगह लाइट बंद है, लाइट चालू है कभी बंद है, अंधेरे में जो है जंप उड़ा के गिर जाता आदमी, लाइट का काम होना जरूरी है लाइट तो। तो सर इस रोड को आप रिंग रोड नहीं बल्कि आवाम का ये कहना है कि ये रोड नहीं बल्कि जानलेवा रोड है, सर आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि ये रिंग रोड है या जानलेवा रोड है। जानलेवा रोड है, तो हमारी जिम्मेदारों से गुजारिश है कि इस रोड पर कभी सफर करें। इन सड़कों का मरम्मती काम आखिर कब होगा, NHAI के कारकुनान इस जानिब कब तवज्जो देंगे। सियासी लीडान हुमनाबाद क्रॉस से आगे की बुरी और ख़राब हालत देखने कब पहुंचेंगे। आखिर मुंतखब अवामी नुमाइंदे अपनी जिम्मेदारियों को कब निभाएंगे। अवामी मुंतखब लीडान भी इसी राह से अपनी महंगी गाड़ियों में गुजरते हैं, क्या उनको एहसास नहीं होता कि हमारे शहर की रिंग रोड इतनी बुरी हालत में क्यों है। शहर की तरक्याती काम किस तरह होने चाहिए इस पर तवज्जो क्यों नहीं देते। रिंग रोड के बारे में अवाम क्या कहती है आपने देख लिया। अब नेशनल हाईवे डिपार्टमेंट के कारकुनान की जिम्मेदारी है कि लोगों की परेशानी दूर करने की कोशिश करें ताकि अवाम चैन की सांस ले सके। सियासी जमात के नुमाइंदे काम के लिए दबाव बना कर रखें ताकि जल्द काम शुरू हो सके। नाजरीन आज के हमारे वॉइस ऑफ गुलबर्गा की रिपोर्ट आपको कैसे दिखी कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं, ताकि गुलबर्गा शहर के हालात से हम आपको वाकिफ कराते रहें। हमारी खबरों को लाइक और शेयर करना ना भूलें।